जय हिंद दोस्तों, मैं संयम जैन। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जो चीनी यात्री है फहियान किस गुप्त शासन के शासनकाल के दौरान में भारत आया था। हमारे पास चार ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, या फिर समुद्रगुप्त के शासनकाल में, या फिर चंद्रगुप्त के शासनकाल में, या फिर कुमार गुप्त के शासनकाल में। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो है चंद्रगुप्त के शासनकाल में फहियान जो एक चीनी यात्री है वो भारत में आया था। भारत में आने के बाद उसने गुप्त शासनकाल के बारे में बहुत कुछ लिखा और उसके बारे में हमें पता चलता है, ऐतिहासिक ग्रंथों से पता चलता है, और जिसके कारण हम गुप्त शासनकाल के बारे में इतना कुछ इतिहास जान भी पा रहे हैं। जो कि चंद्रगुप्त का जो पूरा नाम है, चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य द्वितीय, इसका पूरा नाम है, आप नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में साथ साथ, जो कि चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के शासनकाल में जो एक चीनी यात्री था जिसका नाम क्या था, फहियान था, वो जो कि भारत में आया था गुप्त शासन काल के दौरान में आया था। भारत में आने के बाद उसने गुप्त शासन काल के बारे में बहुत कुछ लिखा था। आप उसकी एक इमेज भी हमारे पास देख सकते हैं, जैसे कि यहां पर बता रखा है, देखिए कि ये हमारे पास फहियान है और ये हमारे पास क्या है, गुप्त, जो कि चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य द्वितीय इनका पूरा नाम है, इनके शासन काल में जो फहियान था ये भारत में आया था, मतलब गुप्त शासन काल के दौरान में ये भारत में आया और गुप्त के शासन काल के बारे में काफी कुछ इन्होंने लिखा है, जिससे हमें काफी कुछ जानकारी भी प्राप्त होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है, मिताली राज का संबंध किस खेल से है। ये क्वेश्चन जो कि बहुत ही कॉमन है, पूछ लिया जाता है कितनी बार, जो हमारे पास मिताली राज हैं उनका किस खेल के साथ संबंध है। दोस्तों उनका संबंध क्रिकेट से है, क्रिकेट खेल से वो संबंध रखती हैं। क्रिकेट खेल से संबंध का मतलब वो अभी मौजूदा, मतलब अभी के समय पर जो हमारे पास महिला क्रिकेट टीम है उसकी कप्तान भी है, महिला क्रिकेट टीम की क्या है वो कप्तान भी है। और उनका जन्म कब हुआ था, 3 दिसंबर 1982 को उनका जन्म हुआ था। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं उनकी इमेज भी है हमारे पास, उनका मिताली राज जो कि इनका नाम है, और ये अभी मौजूदा जो कि हमारे पास महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। मतलब जो त्रिपिटक हैं, जो तीन पिटक होते हैं, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तीन पिटक हैं ये, इनका संबंध किस धर्म ग्रंथ से है। तो इनका जो कि संबंध दोस्तों बौद्ध धर्म से है। कौन से धर्म से है दोस्तों, बौद्ध धर्म से है इनका संबंध। तीन पिटक है, कौन कौन से, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म की सारी शिक्षाओं का संकलन और सारे उपदेशों का और नियमों का संकलन किया गया है, जिससे कि हमें पता चलता है कि बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में पूरी व्याख्या चीजों के बारे में पता चलता है। अगर हमारे पास त्रिपिटक नहीं होते तो इतनी सारी जो कि हमारे पास जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, जो चीजें हैं, वो शायद हमें नहीं पता चलती। कहा जाता है जो ये तीनों पिटक थे, जो प्रारंभ में प्राकृत भाषा में, पाली भाषा के अंदर लिखे गए थे, और बाद में इनका अध्ययन कर इनका अनुवाद भी किया गया था अलग अलग भाषाओं में। आज के समय पर अगर आप देखेंगे तो तीनों ग्रंथ अलग अलग भाषाओं में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, जो कि मार्केट में आप बुक्स के तौर पर देख सकते हैं, जिसमें कि बौद्ध धर्म की सारी शिक्षाओं का संकलन, उपदेशों का संकलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि किस देश का के साथ भारत के सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। मतलब दोस्तों ये पूछना चाहता है कि भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सबसे लंबी सीमा किसकी है, सबसे लंबी जो कि सीमा किस देश के साथ लगी हुई है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो बांग्लादेश के साथ, जो कि अंतरराष्ट्रीय सबसे लंबी सीमा लगी हुई है, ऐसा कहा जाता है। और उसके साथ साथ जो कि देखते हैं कि इसकी जो सीमा लगी हुई है 15,106.7 किलोमीटर की सीमा है, जो 17 प्रदेशों से और 92 जिलों से होती हुई गुजरती है। और कहा जाता है दोनों ने, जो कि भारत ने और बांग्लादेश ने जो कि साझा कर रखा है, आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत जो हमारे पास ये भारत का फ्लैग है और ये आपके पास बांग्लादेश का फ्लैग है, और जो कि सबसे लंबी सीमा है भारत और बांग्लादेश की है। और ऐसा कहा जाता है कि दोनों की सीमा जो कि करीब करीब 15,000
106.7 किलोमीटर के आसपास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं, जो एक मानव है, मनुष्य है, उसके कान में कितनी हड्डियां होती हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तीन। तीन हड्डियां होती हैं एक कान में, लेकिन कितने कान में? एक कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तीन हड्डियां होती हैं हमारे पास। अगर आप दोनों कानों की बात करें तो कितनी हड्डियां होती हैं दोनों कानों में? तीन प्लस तीन छह हड्डियां होती हैं दोस्तों। जैसे कि यहां पर बता भी रखा है कि कुल मिलाकर कान में छह हड्डियां होती हैं, एक कान के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? तीन हड्डियां होती हैं। उन तीनों हड्डियों के नाम मैंने आप मेंशन भी कर रखे हैं, जैसे कि पहली हड्डी जो है हमारे पास मेलियस, और तीसरी इकस, और जो कि हमारे पास तीसरी है स्टेप्स, जो कि तीनों ये हड्डियां हैं हमारे पास। कौन कौन सी? मेलियस पहली हड्डी, दूसरी हड्डी इकस, और तीसरी हड्डी स्टेप्स के नाम से भी जानी जाती है। तीन हड्डियां होती हैं एक कान में। पूछ लेता है कि भाई कान में टोटल कुल हड्डियां कितनी होती हैं, तो दोनों कानों का प्लस करके आपको कितना लिखना होगा, राइट लगाना होगा, छह पर आपको राइट लगाना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम कि भाई चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। जो चाय की खेती होती है उसके लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, उसके लिए जो कि सबसे बड़ी चीज लैटराइट मिट्टी सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है? लैटराइट मिट्टी सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है सबसे बड़ी बात कि भाई इस मिट्टी के अंदर लोहा, एल्युमिनियम, चूना, ये तीनों चीज पर्याप्त मात्रा में होता है, इसका किसी प्रकार से कमी नहीं होता है लैटराइट मिट्टी के अंदर। आप देख सकते हैं इस टाइप की कुछ लैटराइट मिट्टी होती है, और ये आप देख सकते हैं चाय की खेती जो कि हो गई है उसको, जो कि निकाल रहे हैं, जो उत्पादित हो जाता है पौधा, उसके बाद उसके पत्तियों से चाय पत्ती बनाई जाती है, उसी की ये प्रक्रिया चल रही है। लैटराइट मिट्टी में ही चाय की खेती होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लैंड में शानदार क्रांति कब हुई। इंग्लैंड के अंदर कौन सी क्रांति? शानदार क्रांति। इसको गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कुछ कुछ क्वेश्चन में बोल देता है कि गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई, तो ये दोस्तों ये जो हुई है 1688 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1688 में हुई थी। अब इसको गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये जो हुई थी चार्ल्स प्रथम काल के समय पर हुई थी, और कहा जाता है कि इसको गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई। आप क्रांति का एक दृश्य भी देख सकते हैं, बहुत बड़ी क्रांति थी ये, गौरवपूर्ण क्रांति है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक, लोग बाग इसके अंदर बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, पहली बैठक, प्रथम बैठक हुई थी। और ऐसा कहा जाता है कि जो प्रथम बैठक हुई थी वो नई दिल्ली में हुई थी। कहां पर हुई थी दोस्तों? नई दिल्ली में हुई थी। नई दिल्ली में संसद भवन में ही हुई थी। जहां पर संसद भवन में वो बैठक हुई थी उसको जो कि केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। कहां पर यह बैठक हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी, है ना, नई दिल्ली में हुई थी। और उसके साथ साथ कहां पर? संसद भवन में हुई थी। आज के समय पर किस नाम से? केंद्रीय कक्ष के नाम से उसको जाना जाता है। वहां पर सभी लोग एकत्रित हुए थे, संविधान की रूपरेखा, मतलब संविधान कैसा होना चाहिए, इन सभी चीजों के ऊपर हमारे पास बात हुई थी। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जो हमारे पास संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? वो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सचिनानंद थे हमारे पास। कौन थे? सचिनानंद। आपको यहां पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग अस्थाई अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निशान लगाते, जबकि ये गलत है बिल्कुल। ये स्थाई अध्यक्ष थे। कौन से थे? ये स्थाई अध्यक्ष थे, ना कि अस्थाई अध्यक्ष थे। अब जो कि ये स्थाई अध्यक्ष हमारे पास कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थाई अध्यक्ष कौन थे हमारे पास? अस्थाई अध्यक्ष सचिनानंद थे। 9 दिसंबर 1946 में जो बैठक हुई है, पहली बैठक, प्रथम बैठक, वो इन्हीं की अध्यक्षता में हुई। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर सचिनानंद की अध्यक्षता में सबसे पहली बैठक हुई थी। संसार का सबसे पहला पालतू पशु कौन सा है?
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे पास संसार है, पूरा विश्व है, उसमें सबसे पहले कौन सा पालतू पशु हमने पालना शुरू किया था, जो आदि मानवों ने के टाइम से शुरू हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कुत्ता। डॉगी को हमने सबसे पहले पालना शुरू किया था, आदि मानवों ने सबसे पहले जो पालतू पशु के तौर पर देखा था उसको किसको देखा था, कुत्ते को देखा था सबसे पहले मनुष्य ने, जो कि एक तरीके से डॉगी को पालना शुरू किया था। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।